पूर्वांचल में बिना सुबह सपा के बीजेपी जीत ही नहीं सकती, ओम प्रकाश राजभर के बेटे का दावा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। उत्तर प्रदेश स्थित गाजीपुर में शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद राज्य में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की औपचारिक तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने एक बड़ा दावा किया है। सुबह सपा नेता ने जेपी नड्डा के संबोधन की एक तस्वीर साझा की। इस दौरान उन्होंने लिखा, बिना सुबह सपा के किसी की नैया पार नहीं होने वाली है। पूर्वांचल में बिना ओम प्रकाश राजभर के कोई भी पार्टी सार्वधिक सीट जीत ही नहीं सकती। सुबह सपा नेता ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी और सुबह सपा का लोकसभा चुनाव में गठबंधन होगा। वहीं गाजीपुर में अपनी जनसभा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने माफिया राज का तिरस्कार करके विकासवाद को आगे बढ़ाया है। पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज का आतंक था। अपहरण, गुंडागर्दी, सरकार और गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा आम बात थी, लेकिन डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार के आते ही अपराधियों के हौसले पस्त हो गए। योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ है और कानून का राज स्थापित हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा, गाजीपुर का जो सांसद है उसका इस इलाके के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही काम पकड़ा है, भैया मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर निकालने का। इन लोगों ने इलाकों को दोनों हाथों से लूटा है, गरीबों को दबाया है। ये लोग माफिया राज के प्रतीक थे और इनके जेल जाने से उत्तर प्रदेश में शांति आई है। बता दें कि यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।